भोपाल में कजियत में हुए बदलाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इमरान खान ने मीडिया से रूबरू होकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की, साथ ही उनके द्वारा वहां चल रहे भ्रष्टाचार को भी सामने लाने की बात कही। सर, कजियत में जो बदलाव हुए उनको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कजियत में जो बदलाव हुए हैं ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। ऐसे लोग जो काजी के मनसब पे बैठे हुए हैं, जो कि निकाह खान थे, और वो सब काम कर रहे थे जिसमें इस्लाम में जिसका सख्ती से मना है। गाने ये गा रहे हैं, डांस ये कर रहे हैं, पॉलिटिकल लोग हो गए थे, अघोषित विधायक प्रतिनिधि हो गए थे, ये डिक्लेयर्ड नहीं थे, अनडिक्लेयर्ड जो है विधायक प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। वहाँ पे जो महिलाएं आ रही हैं तो औरत जो है पर्दे की चीज़ है, आप वहाँ पर आकर उनसे इंटरेक्ट हो रहा हो कि क्या मसला है क्या है। तो इन लोगों के काम जो थे वो ये तो होना ही था। आप बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हो, आप दूसरों को मना कर रहे हो, तो आप कौन को क्या मैसेज देना चाहते हो भाई? आप अगर खुद बाकिरदार नहीं हो तो दूसरों के किरदार को कैसे सही कर सकते हो? तो इन्होंने ये काम तो होना ही था। और अभी बहुत सारी छटनी होना है, बहुत सारे लोग जो हैं जो ये धर्म गुरु बने हुए हैं अघोषित रूप से, और इन्होंने करोड़ों रुपए की संपत्तियां, वक्फ बोर्ड में भी इनके कई कब्जे हैं, कई वक्फ बोर्ड की जमीनों पर इन्होंने मल्टियां बना ली हैं। तो इसकी जांच होगी, बराबर जांच होगी। अच्छा, इनके पास कौन सी सनद थी इसकी भी जांच हो रही है, और जांच में अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इन पर FIR होगी और जेल जाएंगे। आपका कहना है कि ये काजी बन के बैठे थे पर काजी नहीं थे? बिल्कुल नहीं थे। क्या कौन सी सनद थी, किस सनद के आधार पर? अगर काजी होते तो फिर काजी के मनसब को पूरा भी करते ना, उस तरीके से काम करते, ये समाज में एक अच्छा मैसेज देते हैं। लेकिन आप वहाँ पर राहुल गांधी की यात्रा में जा रहे हो, वहाँ पर नाच गाने कर रहे हो, आपके वीडियो वायरल हुए और आप ही के लोगों ने करे, फिर उसके बाद आप बर्थडे मना रहा हो उसके भी वीडियो दे, सारी चीजों के प्रमाण शासन प्रशासन के पास गए, उसके बाद उन सब तथ्यों की जांच होने के बाद ही इनको निष्कासित किया गया है। पर आरोप तो हमेशा वक्फ बोर्ड पे लगाए जाते हैं। अभी बीच में भी ये देखने को मिला था कि वक्फ बोर्ड की शिकायत कलेक्ट्रेट में की गई थी, बताया जा रहा था कि इसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना दिया गया। देखिए, वक्फ बोर्ड एक अलग विंग है, ये मसाजिद कमेटी का मामला था, ये मसाजिद कमेटी के जेरे निगरानी आता है कजियात जो है। वहाँ पर आप ये देखिए, तलाकों का हब बना दिया है, जबकि हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी जो तलाक है वो कजियात से नहीं होगी, लेकिन आज भी 2,000-5,000 रुपए लेकर वहाँ पर रोज तलाकें हो रही है। सेंटर कजियातों की बात कर रहे हैं तो एक चीज मैंने देखी है, कजियातों के अंदर आज लोग निष्पक्ष तरीके से जो जाते हैं वहाँ काउंसलिंग के लिए, उनकी काउंसलिंग नहीं हो पाती है, उनको बाद में कोर्ट जाना पड़ता है। तो क्या बात है, वहाँ जो रहनुमा बैठे हैं वो सही तरीके से अपने कार्य नहीं कर रहे हैं, सही काम नहीं कर रहे हैं। इसके ऊपर जो है स्पष्ट हाईकोर्ट के निर्देश थे कि तलाक नहीं होना चाहिए, लेकिन रोज तलाक होती है, मेरे पास भी कई लोग आते हैं, आप जाकर खुद देख लीजिए, अपना कैमरा लेकर जाइए वहाँ पर, कि रोज 2-4-5 तलाकें वहाँ पर हो रही है। या तो लड़की वालों से पैसे ले लिए जाते हैं तो लड़के वालों पर दबाव बनाया जाता है, या लड़के वालों से पैसे ले लिए जाते हैं तो लड़की पक्ष पर दबाव बनाते हैं और वहाँ से तलाक होती है। जबकि वहाँ पर सिर्फ काउंसलिंग का काम होना चाहिए, वहाँ सिर्फ समझाइश का। क्या लगता है आपको, क्या चेंजेस करना चाहिए जिससे और बेहतर लोगों को सुविधा मिले? जितने भी धर्म गुरु हैं, सबसे पहले तो इनका राजनीति से दूरी होना चाहिए, क्योंकि ये गैर राजनीतिक लोग हैं, इनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। आप ये देखिए कि हमारे शहर के मुफ्ती हैं, राजनीतिक मंचों पर खड़े हुए हैं, राजनीतिक मंचों पर आपको जाने की क्या जरूरत है? आपको तो कौम की रहबरी के लिए, इस्लाह के लिए मुनाकद किया गया है कि अपने प्रॉपर्टियां बनाने के लिए और राजनीति चमकाने के लिए और यहाँ अपीलें करने के लिए कि आप इसको वोट दो और उसको वोट मत दो, तो ये सब काम आपके नहीं है। तो ये अगर इन्होंने अपने जो इनकी हायरार्की थी, जो इनका कार्य क्षेत्र था, दायित्व था, इससे हटके काम किया तो प्रशासन तो इन पर कार्रवाई करेगा। अब इसमें लोगों को, कौम को और आवाम को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये बदलाव जो है अच्छाई के लिए है। अच्छे लोग आए, अच्छे उलेमा आए, जो कौम को अच्छी की रहबरी करें, नौजवानों की रहबरी करें, ऐसे लोगों की ज़रूरत है। तो कजियात में भी बहुत बड़ा एक ऑपरेशन होना है, और जो ऐसे इदारे हैं जो कि जहाँ पर इस तरीके से दलाली के काम चल रहा है, वो दलाली के काम बहुत जल्द रुकेंगे। ठीक।